नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है, दूसरा दिन। बस क्वेश्चन नहीं पूछना है, लेकिन लेवल क्या है, कैसे तैयारी करना चाहिए, किस तरीका से हुआ, अंदर कोई गड़बड़ी तो नहीं हुआ, कैसा रहा आज का पेपर? अच्छा रहा। समय से गए आप? समय से गया, एकदम पूरा समय मिला। माउस कल काम नहीं कर रहा था, आज का कर रहा है। आज कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, सब समस्या दूर है। सब समस्या क्या कहिएगा, मतलब लेवल क्या रह रहा है कल के तुलना में यदि करें? ठीक है लेवल, ठीक है। साइंस से कितना आ रहे हैं? साइंस से मिला जो 10 क्वेश्चन। संख्या केवल बताना है? संख्या 10। 10 क्वेश्चन। मैथ से कितना रह रहा है? एनालिसिस बैन है। अरे एनालिसिस बैन है, क्वेश्चन बताना बैन है। आपसे ज्यादा हम मीडिया को बैन है। क्या मैथ्स का क्या लेवल रहा? ठीक है लेवल, ठीक लेवल, सब लेवल। मतलब जहले अगर बात करें इससे पहले जो 19 में हुआ था उससे कंपेरिजन करें तो क्या? 19 को तो नहीं दिया है, नहीं दिए, पहली बार दिए, पहली बार दिए। चलिए बेसब, कितना अटेम्प्ट लिए? क्या कितना अटेम्प्ट लिए? 50। और देख सकते हैं विद्यार्थी जो जिस तरीका से अटेम्प्ट, कितना लिए, कितना अटेम्प्ट किए बंधु? 67। कोई दिक्कत अंदर नहीं ना हुआ? नहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी। कहाँ से आए हैं? बिहार शरीफ से। बिहार, बिहार में कहाँ से? बिहार शरीफ से। बिहार शरीफ से। साइंस का लेवल क्या रह रहा है? मॉडरेट ही था। मॉडरेट था, हाँ। मतलब इस तरीका से कोई दिक्कत? क्या क्या चेक हो रहा है, क्या क्या चेक किया जा रहा है अंदर में? यही बेल्ट, कोई मेटल का सामान नहीं ले सकते हैं, और फिर बेल्ट वेल्ट हटा दिया जा रहा है, और आप पेन वेन नहीं लेके जा सकते हैं, और पूरा अच्छा से चेक होता है मेटल डिटेक्टर। मतलब थम वगैरह लिया जा रहा है? थम ओवन दोनों का लिया जा रहा है, राइट लेफ्ट दोनों, दोनों का। मतलब अंदर में कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं। पूर्णिया जैसा कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत अभी तक। ठीक है, आपका भी बीत चुका है? हो गया सर। अंदर कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं, क्योंकि हम लोग जब समस्या नहीं पूछेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। आप ही लोगों के साथ समस्या दिक्कत तो कुछ 500 शिफ्ट में, मान लीजिए 500 क्षेत्र में एग्जाम हो रहा है, 500 सेंटर बनाया गया, एक सेंटर पर अगर एक के साथ हो जाए तब तो सब आप लोग का गया, तो आप ही लोग ना बताएगा कि अंदर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई सर्वर वगैरह काम किया? आज सर्वर ठीक काम कर। आज कल बहुत दिक्कत हुआ, कल दिक्कत हुआ था, आरा तारा में दिक्कत हुआ था, आज बहुत ठीक। आज कितना बजे एंट्री आप लोग को दिया गया? समय विलंब 11 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट हो गया था, सेकंड शिफ्ट का 11 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था। मतलब जिसे जो क्वेश्चन आ रहा है, क्या टाइम टेकन आ रहा है, लॉन्ग दिया जा रहा है, किस टाइप? रीजनिंग लॉन्ग टाइप से रहा है, टाइम मेंटेनेंस करना पड़ता है। देखिए क्वेश्चन नहीं पूछना है, बाकी सब कुछ आप पूछ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को लेकर समस्या है आयोग को, जो हम लोग नहीं काम कर। कैसा गया एग्जाम? एवरेज अच्छा गया। एवरेज, एवरेज। अटेम्प्ट कितना लिए? 46। 46 नेगेटिव नहीं है लेकिन। आप कितना लिए? 45। अंदर कोई दिक्कत तो? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या मिलाया जा रहा है? वही टाइम लेता है, वही थोड़ा दिक्कत है। समय मैनेज कैसे किए? समय तो बहुत कम पड़ रहा है, पजल इतना हार्ड था, बन ही नहीं रहा, तो वही टाइम ले लिया जा रहा है, टाइम ले लिया बहुत ज्यादा। आपका आपका कैसा रहा? मतलब अच्छा ही रहा। अच्छा ही रहा, हाँ। पहली बार दे रहे हैं? यस। 49 बनाए? 49 बना दिया। पजल पूरा क्वेश्चन देख पाए कि नहीं? देखे हैं पूरा, पूरा देख, पूरा 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 देख बना है, वो बना है। उसके बाद एसके जी सर से बोले कि मतलब जो टाइम देख रहा है वो आगे मेन टाइम, बस बस। देखिए जिनका भी है टाइम जरूर आप देखें, अगर टाइम अगर 10 मिनट और मिलता ना तो 5 से 6 है, बस पजल पे ध्यान दे, बाकी सब ठीक है। टाइम पर, हाँ टाइम बहुत मैटर है, टाइम पे, केवल टाइम पे ध्यान देना है सर, केवल टाइम पे ध्यान देना है। क्वेश्चन जो आ रहा है इजी टू मॉडरेट है, केवल टाइम पे ध्यान देना है। अगर क्वेश्चन नहीं बताना है, क्वेश्चन नहीं बताना है, केवल टाइम पे जो बच्चा ध्यान दे देगा वो पूरा बनाएगा। ये भी नहीं करना है कि हम 75 में 75 बनाना है, 65 में 65 बनाना है, आपको जितना बन रहा है उतना ही बनाइए। करंट अफेयर आपको अगर आ रहा है तो जवाब दीजिए, नहीं आ रहा तो छोड़ के आगे बढ़िए, क्योंकि टाइम ज्यादा दीजिएगा। रीजनिंग जो आ रहा है एकदम आसान आसान है, मैथ भी एकदम इजी है, बेल्ट वगैरह सब निकलवा दिया। हाँ हाँ, सारा बेल्ट सारा ओपन करवा दिया था, नॉर्मली केवल हटा दिया, अंगूठी भी निकला, अंगूठी बाला जो था वो भी बनाए। हाँ, कितना बना दिए? कुछ बनाया 10 को छोड़े और सब बना दिया, 10 को मात्र छोड़े। अच्छा गया है। हाँ, अंदर कोई परेशानी नहीं? नहीं नहीं, मतलब सब ठीक है, सर्वर वगैरह काम? हाँ सब सही, माउस काम किया? हाँ। चलिए यही सब जानना रहता है। आपके आपका भी गीता? आपका गया? कैसा रहा? अच्छा, माउस वगैरह काम किया कि नहीं? कल बहुत आरोप लगा ना, सब ठीक है, क्योंकि हम लोग इसलिए करते हैं ताकि ये बात पहुंचे, अंदर सेंटर वाले कोई गलती ना करे। मान लीजिए रिव्यू में क्वेश्चन नहीं बताना है, क्या लेवल था कल की तुलना करें? मॉडरेट था, कोई ज्यादा हाई नहीं था। क्या सुझाव करिएगा जो कल विद्यार्थी आ रहे हैं, टाइम कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि टाइम और क्वेश्चन का जो संख्या है वो बहुत दिक्कत है। रीजनिंग जो है ना, हाँ, तो थोड़ा लेंदी है, सिटिंग अरेंजमेंट छोड़ के ही जाए तो ठीक है, लेफ्ट कर दे सिटिंग अरेंजमेंट और तो अच्छा। आपका कैसा रहा? औसत रहा। कितना अटेम्प्ट लिए?
हम 54 54 बनाए, देख सकते हैं जो कुछ लोग 54 बनाए, कुछ लोग जिनसे जितना हो पाया 62 आप बना दिए, तो आप बहुत हाई है एक्सपीरियंस। आपका कैसा रहा? अच्छा रहा, एवरेज एवरेज रहा। एवरेज रहा। कहाँ से आए? मुजफ्फरपुर से। बिना एक्सपीरियंस के ना, बिना एक्सपीरियंस के ना, बस अब तो नहीं आ रहा है। 62 दस दिन पर क्या है? 62 मैथ रीजनिंग का काले पर एवरेज है, एवरेज है। मैथ खाली कहाँ हो रहा है? रीजनिंग में हो रहा है। बच्चे कैसे टाइम मैनेज? पजल, पजल सबसे ज्यादा पजल टाइम वहाँ मैनेज। वही कर रहे हैं, बड़ा बड़ा आ रहा है, छोड़ दे रहे, बड़ा बड़ा आ रहा है। इन लोगों से भी आप लोग का भी हो चुका है? अब इंट्री होगा आप लोग का, कल देखे होइएगा, कल बहुत विलंब से इंट्री हुआ, आज समय से इंट्री हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। कैसा एग्जाम इन लोग को सुन रहे हैं, क्या लग रहा है? क्वेश्चन नहीं बताना है, लेकिन ये बताना है कि कहीं कोई दिक्कत हो, इसलिए हम लोग आते हैं ताकि अंदर कुछ परेशानी ना हो। आपका हो चुका है? नहीं सर, अब अगला सिफ्ट। चलिए, बहुत सारे आपका हुआ, कैसा गया बंधु? एग्जाम बहुत अच्छे गया, बहुत अच्छा गया। कहाँ से आए हैं? हम तो वैसे पटना ही में रह के तैयारी करते हैं, और मेरा वैसे सीतामढ़ी से आया। ऑफलाइन क्लास करते हैं या डायरेक्ट किसी तरीका से? सेट मारते हैं, इसके जहाँ सर के सर पास सेट मारते हैं। सेल्फ स्टडी है सर। कितना अटेम्प्ट लिए? मैक्सिमम हम 64 लिए हैं, इसमें हमको लग रहा है कि 50-52 आ जाएगा। 52 आ जाएगा। इसे जो विद्यार्थी का कल है, टाइम को लेकर सबसे बड़ा समस्या है, क्वेश्चन ज्यादा है, समय कम है, उसको कैसे मैनेज करेंगे? क्वेश्चन नहीं बताना है क्योंकि ये गाइडलाइन है, लेकिन ये आप सजेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन तो आ रहा है, अच्छा आ रहा है, अगर जो पढ़ा लेवल क्या रह रहा है? लेवल इजी टू मॉडरेट है, अगर जो पढ़ा होगा वो निश्चित ही स्कोर करेगा, निश्चित स्कोर करेगा, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दो मत। जैसे आप फर्स्ट बार स्टार्ट किए तो बहुत लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे होंगे, रीजनिंग वगैरह हो गया, मैथ हो गया, या जीएस में बड़ा बड़ा लिखा हुआ रह रहा है? नहीं नहीं, वैसा बस एक ही दो रीजनिंग में मिल रहा है, अन्यथा सब ऑनलाइनर ऑनलाइनर। मतलब जो विद्यार्थी अगर नॉर्मल भी पढ़ाई किए तो उनका हो सकता? नहीं, मोटा मोटी 1 साल या 6 महीना तैयारी कर रहा होगा। हाँ, आप कितना लिए टोटल अटेम्प्ट? 61। चलिए, देख सकते हैं आपका भी बीत चुका है। हो गया। कैसा रहा एग्जाम? तो मॉडरेट था, ना इजी ना फास्ट कर सकते हैं, ठीक रहा। वन लाइनर ज्यादा था, वन लाइनर ज्यादा। रीजनिंग थोड़ा सा घुमा के, मतलब 3-4 लाइन। मैथ घुमाया कि नहीं? नहीं, मैथ नॉर्मल था। मैथ नॉर्मल, मैथ सेंटर ठीक ठाक रहा? सेंटर हाँ, अंदर कोई दिक्कत? अंदर कोई दिक्कत नहीं, सारा ठीक है, सब कुछ काम किया? हाँ, सब कुछ अच्छा से कर रहा था। देख सकते हैं, हम लोग का मकसद ये होता है ताकि विद्यार्थी के साथ कोई अन्याय ना हो। सेंटर में किस तरीका से, अंदर माउस काम किया कि नहीं, अंदर में सर्वर काम किया कि नहीं, आप क्या करें इस बात को समझिए। और कोई भी अब प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, इसका रीजन ये है कि साफ तौर पर रेलवे ने एक गाइडलाइन जारी की है कि रेलवे आप क्वेश्चन एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। वो किनके लिए किया गया है? शिक्षकों के लिए किया गया है, ताकि ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड ना बताएं। हम लोग के लिए नहीं है, मीडिया बंधु के लिए नहीं है, तो आप हमेशा जुड़े रहें, आपको हमेशा से एग्जाम का अपडेट एग्जाम टूर पर मिलेगा। यदि फिर से मैं कहूंगा एग्जाम टूर पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लोगों में शेयर करिएगा। जय हिंद।